वेलकम टू माई न्यू वीडियो। आज मैं बताने वाली हूँ बेबी वॉकर के बारे में, एवरी थिंग अबाउट बेबी वॉकर, कि कब लेना है, कौन सा लेना है, लेते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, यूज़ करते हुए किन बातों का ध्यान रखना, लेना है या नहीं लेना, एवरी थिंग। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें ताकि आप यूज़ करते हुए खरीदते कोई गलती ना करें। और शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहली बात, बेबी वॉकर को 2 महीने हो गए हैं यूज़ करते हुए मेरे बेबी के लिए। और बेबी वॉकर जरूर लें, क्यों लें? एक तो बच्चे को हेल्प मिलती है चलने में, हल्का सा मतलब खड़ा हो जाता है तो चलने में हेल्प मिलती है, और दूसरी बात खूब इंजॉय भी करता है बच्चा। जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बेबी वॉकर के तो इंजॉय भी खूब करता है। अब मैं बताने वाली हूँ कब लें। जब बच्चा आपका खुद खड़ा होने लग गया है, किसी चीज़ को पकड़ के खड़ा होता है, या आपको कहता है खड़ा होना है, मतलब कुछ ऐसे आपको इंडिकेट करता है या साइन देता है, और उसकी नेक स्टिल हो गई है, तब आप बेबी वॉकर खरीदें और जरूर लें क्योंकि इंजॉय बहुत करता है। ठीक है, अब लेते अगर आपने ख़रीद लिया है, और कहते हैं कुछ लोग कहते हैं नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी वो क्यों कहते हैं क्यों नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे वॉकर्स की वैरायटी दिखेगी। अराउंड 300 से शुरू हो जाता है बेबी वॉकर का प्राइस, और 2500-3000 तक की रेंज तक आता है बेबी वॉकर। सर्कुलर शेप का होता है उसकी बॉडी, और एक स्क्वायर शेप की होती है। ठीक है, अब मैं बताऊँगी कौन सा लेना है। डिफरेंस क्या होता है जो रेट बढ़ते जाते हैं, एक तो उनकी बॉडी मटेरियल का फ़र्क आता है, अच्छा क्वालिटी का फ़र्क आता है, और जो खिलौने वो इंक्रीज़ हो जाते हैं बच्चे के। और अब बेबी वॉकर प्लस रॉकर भी आते हैं। ठीक है, वो आपकी विश है आप कौन सा लेना है, ताकि वो मूव कर सकें। रॉकर में क्या होता है आप मूव कर सकते हैं बच्चे को। ठीक है, पर इसमें क्या होता है, लेते हुए क्या करना है आपको, एक तो देखना है जो उसकी मटेरियल है वो मजबूत हो। ठीक है, और जो सीट है वो भी अच्छे से मजबूत हो, ताकि वो फटे ना बच्चे और ना ही नीचे खिसके, वरना कुछ जो लो कॉस्ट वॉकर होते हैं वो नीचे खिसक जाती है सीट। जब धीरे बेबी बड़ा होता है बच्चे के पैर नीचे लटकते हैं, और जो जो नीचे वाली बॉडी होती है, जो सर्कुलर या राउंड शेप की जो नीचे वाली बॉडी होती है टायर से ऊपर वाली, वो हल्की सी बेबी वेट से थोड़ी हल्की सी ज़्यादा हो। हल्की सी ज़्यादा क्यों हो, क्योंकि बच्चा उसको आराम से मूव कर सके, ज़्यादा उसको प्रेशर या खींचना ना पड़े उसको। और दूसरा रीज़न ये है बेबी वॉकर में क्या होता है कि अगर वो अड़ जाए तो बच्चा गिरे ना उल्टे मुँह, क्योंकि बच्चे का वेट बढ़ेगा तो, और बेबी वॉकर का वेट कम होगा तो बच्चे का गिरना लाजमी है। तो कोशिश करें कि ऐसा वॉकर लें हल्का सा वेट ज़्यादा हो बेबी वॉकर, क्योंकि और ये भी ध्यान रखें कि बेबी का वेट बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से चेक कर लें कि उसका बच्चा खींच भी सके और वो गिरे ना, जहाँ भी गड्ढा होगा और उबड़ खाबड़ वाली जगह होगी तो डर रहता है बच्चे, या कहीं अड़ेगा तो गिरने का डर रहेगा ही रहेगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं या फिर सेकंड फ्लोर पे रहते हैं तो कोशिश करें दरवाजे, जो मेन दरवाजा है डोर है, वो बंद रखें, और जहाँ भी उबड़ खाबड़ वाली जगह है वहाँ बच्चों को ना छोड़े वॉकर के अंदर, ताकि बच्चा सेफ रहे। और दूसरा, और कुछ लोग कहते हैं कि ना खरीदे, इसका रीज़न एक और ये भी है कि जब बच्चा वॉकर में चलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम करने लग गए किचन में या कुछ और काम करने लग गए। इवन इस टाइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि क्योंकि बच्चा जब चलेगा तो वो कुछ भी हाथ लगाएगा, वायर्स को हाथ लगाएगा, किसी भी भारी चीज़ को पकड़ लेगा, किसी चीज़ को खींचेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा। बट अपनी एक आँख बच्चे पर रखे ताकि वो किसी भी चीज़ को, तार वायर को ना छुए, किसी गलत चीज़ को ना छुए। और सेकेंड, और दूसरी बात यह है कि पूरा दिन बेबी को वॉकर में नहीं रख सकते, क्योंकि इससे वो चलेगा, वो इंजॉय भी करेगा, पर वो थकेगा भी जल्दी। तो ये कुछ टाइम के लिए है, मतलब 15-20 मिनट जब तक वो खेल रहा है तब तक रखें उसको, और ध्यान रखें कि हाँ वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ताकि बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो बेबी वॉकर के कारण या फिर हमारे इधर उधर के कारण कि हाँ वो खेल रहा है। ये था बेबी वॉकर के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।